पन्नारा ने लिया नील के दिल का टेस्ट। पन्नारा ने बताया नील को दिल का बहुत ही ज्यादा छूटा। वर्ल्ड सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला। दिल के मकान में समर्थ और मन्नारा आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर मन्नारा समर्थ को बताती है कि उन्होंने अगर नील इस घर के कैप्टन बनते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार होने वाला है, क्योंकि नील हर एक चीज का हिसाब रखते हैं और हर चीज को गिन गिन कर देने वाले हैं। समर्थ से मन्नारा ये भी बताती है कि कल उन्होंने नील से कुछ पीनट्स मांगे थे उनका टेस्ट लेने के लिए। वही नील ने उन पीनट्स को दिया नहीं, उन्होंने कहा कि वो उसे लैंड कर रहे हैं, यानी उन्हें कुछ दिनों के लिए किराए पर वो कुछ पीनट्स दे रहे हैं जो उन्हें बाद में वापस करने होंगे। कुल मन्नारा यहाँ पर नील को बहुत ही ज्यादा दिल का छोटा भी कहती हुई नजर आती है और साफ तौर पर कह रही होती है कि कल रात में मैंने ये चीज नोटिस की कि मैंने आज तक इस घर में नील से कभी कुछ मांगा नहीं है, हमेशा सिर्फ नील को कुछ ना कुछ दिया ही है। ऐसे में मैं उसको टेस्ट लेना चाहती थी कि अगर वो घर का कैप्टन बनता है तो वो क्या करेगा, इसलिए मैंने उससे पीनट्स मांगे थे। पर यहाँ पर समर्थ भी मन्नारा की सारी बातों पर एग्री कर रहे होते हैं और कहते हैं कि नील ने एक एक पीनट गिन के दिया होगा, वो हमारी तरह नहीं है दिल का बड़ा जो सारी चीजें आराम से दे दे। पर मन्नारा और समर्थ यहाँ पर ये बात भी करते हुए नजर आए कि किसी भी कीमत पर नील इस घर का कैप्टन नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर उनका ग्रुप जीतता है तो वो नील को ही कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि रिंकू कहीं ना कहीं इस घर से जाने वाली है। ऐसे में कैप्टेंसी तो नील के ही हाथों में आएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। पर मन्नारा और समर्थ दोनों ही कैप्टेंसी और नॉमिनेशंस को लेकर डिस्कशन भी करते हुए नजर आते हैं। समर्थ और मन्नारा ये बात कह रहे होते हैं ऐसा ना हो कि न्यू ईयर होने की वजह से किसी को भी इस घर से भेजा ही ना जाए, वरना रिंकू इस घर में रहेगी और अगर अगले हफ्ते टाइगर्स 10 होता है तो रिंकू अपना बदला निकालने के लिए यकीनन समर्थ को ही उसमें बुलाने वाली है। वरना आपका मन्नारा की नील के लिए कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।